My precious brothers and sisters in Christ. मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों. I'm so happy to see you all through this program. इस कार्यक्रम के मार्फत आप सबको देख करके मुझे बड़ी खुशी है. Are you also happy to be in the presence of God? क्या आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के खुश हैं? Through this program, the Lord is going to do miracles in your life. इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करने वाले हैं. That's what we are going to meditate. और इसी बात पर आज हम मनन करेंगे. The word of God says in Isaiah 30:21. परमेश्वर के वचन में यशया 30 में यूं लिखा है. You will hear saying, "This is the way, walk ye in it." तुम यही आवाज सुनोगे, यही मार्ग है, इसी में चलो. You will hear this word. That's what we read right now, and He says. When you turn to the right hand and when you turn to the left, you will hear, walk in it. यहाँ लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो. Yes, He is the God of all comfort. हाँ, वही तो सारी शांति का परमेश्वर है. You may be troubled in your heart this morning. आज सुबह आप अपनी आत्मा में व्याकुल हो सकते हैं. What shall I do? मैं क्या करूं? Which way to turn to? मैं किस ओर मुड़ूं? But the Lord says, लेकिन प्रभु कहता है, I am here to comfort you, my children. मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें ढाढ़स देने के लिए. Don't worry. चिंता ना करो. I will guide you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा. I am going before you. मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूँ. If you have to turn to the right, I will tell you, walk in this way. अगर तुम्हें दाहिने मुड़ना है, मैं कहूंगा इसी मार्ग पर चलो. Same way, I'll guide you if you go to the wrong side. और वैसे अगर तुम गलत ओर मुड़ो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा. You have to be careful to receive my guidance. और तुम्हें मेरे उस दिशा निर्देश को पाने के लिए सचेत रहना है. Isaiah 58 verse 11 says. यशया 58 वचन 11 कहता है. That the Lord will guide you every day. कि परमेश्वर प्रतिदिन आपकी अगुवाई करेगा. If you have such a God, why should you worry? जब आपके पास ऐसा परमेश्वर, आप चिंता क्यों करते हैं? We are going to meditate more about this in the message. इसके बारे में हम अपने संदेश में और भी मनन करेंगे. स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है. तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने. We are going to meditate on the abundant blessings of the Almighty God. और आज की रात हम ध्यान करेंगे महाप्रतापी परमेश्वर की बहुतायत से बारिश क्या होती है. Showers of blessings. और वो बरसात जो आशीष की बरसात. As I was thinking about it. और जब मैं उसके ऊपर विचार कर रहा था. Ephesians 5:30 says. Ephesians 5:13 में लिखा है. We are members of His body. उसकी देह के हम सदस्य. Members of His flesh and bone. और उसकी हड्डी, उसके मांस और उसके लहू के अंग. We are part of His very life. और हम उसके जीवन. When something happens to you today, और आज आपके साथ कुछ होएगा, he will really be concerned. और वो आपके बारे में वास्तव में परवाह करेगा. The moment you cry, और जब आप रोएंगे, he will answer. वो आपको जवाब देगा. He will come running to bless you and help you. वो भाग के आएगा आपको आशीष देने के लिए. In a few moments you will see it. आप कुछ क्षण के बाद इसको देखेंगे. Let us go down to the blood of Jesus Christ. और हम यीशु के लहू के पास आ जाएं. Why this blood? और हम देखें उसका लहू क्यों? As I said, to give his life for you. और उसने जब अपना जीवन आपके लिए दे दिया. There are so many other blessings from the blood of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के लहू से कई आशीषें मिलती हैं. Number one, पहला, in 1 John chapter 1 and verse 7. पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है. The Bible says. बाइबल ये बताती है. The blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धो के शुद्ध कर. All sin. सारे पाप. All sin. सारे पाप. In his blood there is abundant pardon.
और उसके खून के अंदर एक इतनी बड़ी ताकत है। Isaiah 55 and verse 7. यशाया 55:7 में लिखा है। Psalm 130 verses 4 and 7. और 130 भजन के 4 और 7 वचन में लिखा है। There is abundant pardon in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू में बहुतायत से माफी है। The Bible says in Isaiah 48 and verse 22. और बाइबल के अंदर यशाया 48:22 में लिखा है। There is no peace for a wicked man. और एक अधर्मी के लिए कोई शांति नहीं। As long as sin and iniquity is in our life. जब तक हमारे जीवन में अधर्म और पाप है, we will have no peace. हमारे पास कोई शांति नहीं होगी। That's when Colossians chapter 1 and verse 20. और इसलिए कुलुसियों 1:20 में लिखा है। The Bible says. बाइबल ये बताती है। When his blood comes and washes. और जब उसका खून आके हमें धोता है, we get a peace in our heart. हमारे जीवन में शांति आती है, a divine peace. एक दैविक शांति आती है, an incomprehensible peace. और एक ऐसी शांति जिसका वर्णन नहीं कर सकते, a peace that the world can never give. और वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, money cannot give. और पैसा नहीं दे सकता, a peace only God can give. सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। The Bible says, और बाइबल बताती in Isaiah 26 and verse 3, और यशायाह 26:3 में लिखा है, it's perfect peace. और वो है सिद्ध शांति, nothing can disturb that peace. और उस शांति को कोई खराब नहीं कर सकता। On the 11th February 1955, और 11 फरवरी 1955 की बात है। I was just 20 years old, मैं 20 साल का था। But I was running towards the railroad, मैं उधर पटरी की तरफ जा रहा रेलगाड़ी की। I wanted to kill myself, मैं अपने आप को खत्म करना मांगता था। I was a failure in my education, और मैं पढ़ाई के अंदर असफल हुआ। I was a smoker, और मैं धूम्रपान करता था। I was away from God, मैं परमेश्वर से दूर था। My sins were following me, और मेरे पाप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। I had no job, मेरे पास नौकरी नहीं थी। Poverty was chasing me, और गरीबी मेरा पीछा कर रही थी। I was desperate, और मैं पस्त था। I said no one loves me in this world, और मैंने कहा दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता। Let me jump before the express train and kill myself, और जैसे ही वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन आती मैं उसके सामने कूद के मर जाऊंगा। As I was going to the express train, और जब मैं एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ जा रहा था, waiting for the train to come and crush me to death, और जब उस गाड़ी की यात्रा देख रहा था कि वो आए मुझे कुचल के चली जाए, God saw my desperation, परमेश्वर ने मेरी पस्ती को देखा। He sent my uncle who was in the police department, और मेरे एक अंकल थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनको उस तरफ भेज दिया। My uncle was a very loving person, और वो बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति थे। I loved him, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। He came and spoke to me, और उन्होंने आके मुझसे पूछा, not about himself, अपने बारे में नहीं, but about the almighty God, महाप्रतापी परमेश्वर के बारे में, about his love, उसके प्यार के बारे में, how he exhibited his love on the cross, और क्रूस पे उसने कैसे उस प्रेम को दिखाया। One hour he spoke to me, एक घंटे वो मुझसे बात करता रहा। Melted my heart, उसने मेरे दिल को पिघला दिया। Love of God melted my heart, परमेश्वर के प्रेम ने मेरे दिल को पिघला दिया। I asked my uncle, मैंने अपने अंकल से पूछा, अंकल, to come out of my problems, what should I do now? और मैं अपनी समस्या में से बाहर आने के लिए क्या करूं? He said, go back, son. उसने कहा बेटे वापस जा। Go to your room, अपने कमरे में जा। Ask the Lord Jesus to wash you with his own blood, कहे प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से मुझे धो दे। I went home, मैं घर गया। I knelt down in my room, मेरे कमरे पे जाके मैंने घुटने टेके। Of course, we lived only in one room, और एक ही कमरा था जब हमारे पास। We didn't have a big place to live in, और बड़ी जगह भी नहीं थी हमारे पास। I cried out, और मैंने रोया, Lord Jesus, मैंने कहा प्रभु यीशु, if you are alive, अगर तू जिंदा है, come and tell me why I don't have peace, और मुझे आ और बता कि मेरे पास शांति क्यों नहीं। As my uncle told me, जैसे मेरे अंकल ने मुझे बताया है, please wash me with your blood, और तू अपने लहू से मुझे धो। The presence of the Holy Spirit came, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ गई। And right before my eyes, I saw my past, और मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भूतकाल के कामों को देखा। Every little sin that I have committed, और जितने भी मैंने पाप छोटे बड़े किए सब दिखे। And I began to cry, और मैं रोने लगा। Oh, I cried for 4 full hours, और मैं 4 घंटे तक लगातार रोता रहा। And after the end of the 4th hour, और 4 घंटे के बाद, a great peace came and filled my heart. एक अजीब बड़ी शांति आके मेरे दिल में भर गई। I felt I have never sinned in all my life. और मैंने ऐसे महसूस करना शुरू किया जैसे मैंने कभी पाप ही नहीं किया। I ran out of my room, मैं कमरे से बाहर आया। I went to my mother, मेरी माँ के पास गया। I told my mother, मैंने मेरी माँ से कहा, Mommy, मैंने कहा माँ, I met God, मैं परमेश्वर से मिला हूँ। I met God, मैं परमेश्वर से मिला हूँ। I have a great peace in my soul, मेरे आत्मा में एक अजीब शांति है। I do not know why, Mommy, मुझे नहीं मालूम माँ क्यों। This is what happened, और लेकिन ऐसा हुआ है। My mother said, मेरी माँ ने कहा, You need not tell me anything about it, और उसके बारे में तुझे कहने की जरूरत नहीं।
radiance on your face tells me you met Jesus. और तेरे चेहरे को देख के लगता है कि तूने यीशु से मुलाकात की। I went to my friends. और मैंने दोस्तों से जब कहा, they told me. उन्होंने कहा, the same thing. वही बात बोली। The radiance and joy in your face tells us you met God. और ये तेरे चेहरे पे जो चमक और रौनक है उससे लगता है कि तू परमेश्वर से मिल के आया। It changed my life. उसने मेरे जीवन को बदल दिया। Blood of Jesus Christ cleansed me from all unrighteousness. और प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मुझे सारी अधर्मता से धो के शुद्ध कर दिया। The Bible says. और बाइबल बताती है। Hebrews chapter 9 and verse 14. और इब्रानियों 9:14 में लिखा है। The blood of Jesus Christ does not just wash you away from your sins. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से धो के शुद्ध ही नहीं करता। But it does something more than that. और उससे भी बढ़ के कुछ करता है। If your life is deeply rooted in some dead works. अगर आपका जीवन कोई एक मुर्दा कामों में गहराई से गड़ा हुआ है, unwanted habits, और ऐसी कुछ आदतें जो छूटती नहीं, unwanted addictions, और कुछ ऐसे नशे हैं, the blood of Jesus Christ cleanses you from that also. प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको उससे भी धो के शुद्ध करता है। These are dead acts. और वो एक ऐसा है जो बिल्कुल मरी हुई चीज को निकाल। Smoking is not going to help you in any way. और ये छोटी चीज आपकी मदद नहीं करेगी। Putting snuff into our noses is not going to help us in any way. हमारी नाक के अंदर सूंघनी डालने से कुछ नहीं होगा। Drinking alcohol is not going to help us in any way. और शराब पीने से हमारी कोई मदद नहीं होगी। Taking drugs, it's not going to help us in any way. और नशे की गोलियां खा लेना उससे हमारी मदद नहीं होगी। They are unprofitable acts. और ये सारे ऐसे काम है जिनसे फायदा नहीं है। They are going to only destroy our bodies. और वो हमारे सिर्फ शरीर को नाश करते हैं। That's why they are called dead acts. और इसलिए उनको कहा कि वो मुर्दा काम है। Thank God, the blood of Jesus Christ cleanses that from all these things also. और प्रभु यीशु मसीह का लहू इन सब चीजों से भी हमें धो के शुद्ध करता है। Some time ago, I read an article in the Life magazine that comes from London. और लंदन से जो लाइफ मैगजीन आती है, एक आर्टिकल मैंने उसमें से पढ़ा। Two young men were working in very high positions in two different companies. और दो अलग-अलग कंपनियों में दो जवान एक बड़े ऊंचे औधों पे अलग-अलग काम करते थे। They were living in the same room. और एक ही कमरे में रहते थे। They have told the life reporter. और उन्होंने रिपोर्टर से कहा, Sir, we live only for one thing. और एक चीज के लिए, We work hard only for one thing. एक ही चीज के लिए हम काम करते हैं। To earn money to buy the drugs. और सिर्फ ये कि हम पैसा कमाते हैं ताकि इस पैसे से फिर नशे करें। Without these drugs we cannot live. और इन नशों के बिना हम जी नहीं सकते। We want opium all the time. हम अफीम हमेशा चाहते हैं। We want narcotics all the time. और हमेशा हमें नशे की दवाइयां नरकोटिक चाहिए। We need heroin all the time. हेरोइन हमें हमेशा चाहिए। So we work to earn money to buy the heroin all the time. और इसलिए हम कमाते हैं ताकि हम हेरोइन खरीदें और उसका नशा करें। We live for heroin. और हम हेरोइन के लिए जीते हैं। We live for drugs. और हम इन नशे की दवाइयों के लिए जीते हैं। opium. opium अफीम के लिए जीते हैं। Like an evil snake, it is holding on to us. और जैसे एक बुरा सांप उनको पकड़े हुए है। We are unable to shake it off. और उसको छुड़ा नहीं पा रहे। Thank God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। The Lord Jesus said. प्रभु यीशु ने कहा। I have shed my blood on the cross. और उस क्रूस पे मैंने अपना लहू बहाया। Life will flow into your soul. और वो तुम्हारे आत्मा के अंदर बहेगा। When you cry unto me. और मुझे पुकारोगे तुम। I will send my abundant life into your soul. और मेरी बहुतायत का जीवन तुम्हारे जीवन में दूंगा। Destroy the addictions in your life. और तुम्हारे जीवन में वो सारे नशों को दूर कर देगा। In John 8:36 he said. और योहन्ना की पुस्तक 8:36 में कहा। If I can set you free, you will be free indeed. और उसने कहा अगर मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Some time ago, a person came from Madhya Pradesh. और कुछ समय पहले मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति आया। He enabled me to translate this Jesus called song into Hindi. और हिंदी में यीशु बुलाता के गाने को उसने अनुवाद किया है। He told me his life story. उसने अपनी जीवन की कहानी बताई। He said, Sir, I was a dacoit. और मैं एक डाकू था वो बोला। And almost every night I'll go with my dagger. और मैं हर एक रात को अपना बड़ा चाकू लेके जाता था। Murder several ladies. और कई औरतों का मैंने हत्या करी। And I will take their ornaments. और मैं उनके जेवर ले लेता था। I'll rob the people of their possessions. और उन लोगों की मैंने जायदादें लूटी हैं। I'll bring them and give it to my wife. और मैं लाके अपनी पत्नी को दे देता था। To drown my conscience. और मेरे उस विवेक को ढकने के लिए। I will drink. मैं शराब पीने लगा। Otherwise, when I try to sleep. क्योंकि रात को जब मैं सोने की कोशिश करता, I would see those treacherous scenes where I murdered the people. तो रात को मुझको वो सारे नजारे दिखते थे कि कैसे मैंने लोगों की हत्याएं करी और मैं नहीं सो पाता। Some people will beg me. और कुछ लोग आके मुझसे मांगते भिक्षा। Don't kill me. हमें मत मारो। I'm a mother of three children. मैं तीन बच्चों की मां। Don't kill me. मुझे मत मार। I'll give you the ornament. मैं अपनी सब कुछ दे दूंगी। But my life is necessary for those children. मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए छोड़ दे। Don't kill me. मुझे मत मार। But I will kill her mercilessly. और मैं उन लोगों को मार देता था। Otherwise she may go and complain against me. क्योंकि उसे डर था कि कहीं जाके मेरी शिकायत ना करे। I'll pull her.
और फिर उसके जेवर ले लेता था। That scene will come in the night. और रात में वो नजारे मेरे पास आते। I will hear her scream. और रात में उनकी आवाज सुनाई देती थी। Oh, I lose my peace. और मेरी शांति चली जाती थी। So I used to drown my conscience in drink. मेरे विवेक को डुबोने के लिए। One evening, एक शाम, I went for a stroll. मैं घूमने के लिए गया। There I saw a holy man talking to some people about God. और वहाँ एक पवित्र व्यक्ति को देखा जो कुछ लोगों से परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था। I also went and sat. मैं भी वहाँ जाके बैठ गया। After everyone left, जब सब लोग चले गए, I told him. मैंने उस आदमी से बात की। I am the most miserable man on earth. क्या इस दुनिया के अंदर सबसे अभागा व्यक्ति मैं हूँ? My sins are so much. मेरे पाप इतने ज़्यादा हैं। They are very heavy on my head. और वो मेरे ऊपर बहुत भारी हैं। And I cried. और मैं रोने लगा। That man embraced me. और उस संत ने मुझे गले लगा लिया। He said, "There is a way." और उसने कहा एक रास्ता है। We can still pray to Jesus. हम यीशु से अभी प्रार्थना कर सकते हैं। There is still hope for you. आपके लिए आशा अभी बाकी है। I am going to cry out for you. मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगा। I am going to ask God to forgive your sins. और मैं परमेश्वर से कहूंगा कि तेरे पापों को वो क्षमा कर दे। I am going to ask Jesus Christ to wash you from every sin. और मैं प्रभु यीशु मसीह से विनती करूंगा कि तेरे सारे पापों से धो के तुझे शुद्ध कर दे। I am going to ask him to give you a new life. और मैं उससे विनती करूंगा कि तुझे नया जीवन दे। I am going to ask him to deliver you from alcohol. और मैं उससे विनती करूंगा कि तू शराब के नशे से छूट जाए। And as he prayed for me. और जब उसने मेरे लिए दुआ की, something happened. कुछ होने लगा उसको। God's Holy Spirit descended upon me. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का उसके ऊपर आया। A great peace came into my soul. और मेरे जीवन में एक अजीब शांति आ गई। Went back home. और फिर वो घर आया। First night I slept without alcohol. और पहली रात थी जब बिना शराब पिए मैं रात में सोया। Slept like a little boy. एक छोटे बच्चे की तरह आराम से सोया। Next morning came. और दूसरी दिन सुबह हुई। And I found another great change. और एक और फर्क मैंने देखा। The desire to take my dagger and go and kill the people is gone. और मेरे दिल में जो इच्छा थी कि मैं चाकू लूं, जाऊं, लूटूं और लोगों को मारूं, आऊं, वो विचार चले गए। Days passed by. और दिन गुजरते गए। My wife asked me. मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा। Are you not going out? कि तू बाहर क्यों नहीं जाता आजकल? Are you not going to bring jewels for me? और तू मेरे लिए जेवर क्यों नहीं लाता? I said no. मैंने कहा नहीं। My honey no. और मेरी प्रिय नहीं कर सकता। No. नहीं कर सकता। I do not know why. और मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ। But the desire is gone. वो इच्छा चली गई है। Hallelujah. 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 Only to do this, Jesus Christ came into this world and gave his life on the cross for us. और ये काम करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में अपना जीवन देने के द्वारा उसने ये किया। Showers of blood. और खून की बरसात। Torrent of blood. और वो ढेर सारा बहता हुआ खून। Streams of blood. और उसका झरना बहता खून का। Coming all the time. हमेशा बहता रहता। 365 days in a year. और साल के 365 दिन। 24 hours in a day. एक दिन के 2400 घंटे। God's blood is streaming down. और परमेश्वर का खून अभी भी बह रहा है। You and me today. और आप और मेरे लिए। The Bible says. बाइबल कहती है। In Revelation chapter 5 verses 5 and 6. प्रकाशित वाक्य 5 और 5 के 6 वचन में लिखा है। Revelation chapter 13 and verse 8. और प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है। Even today, आज भी, as you meet Jesus Christ in heaven, और जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, his wounds are so fresh, और स्वर्ग में भी अभी उसके घाव ताजा हैं, even now it appears blood is trying to come out of his wounds, और उसके खून अभी भी घाव में से बहता है, oh he loves you, वो आपको प्यार करता है, showers of blessings would come to you today from the showers of blood that Jesus has shed on the cross and is continuing to shed out of his body, और वो सारी आशीष के झरने और सोते जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पे से बह के निकलती वो आज भी आपके लिए आ रहा है। Jesus Christ told me today. और यीशु मसीह ने आज मुझसे बोला। He is going to deliver many many of you tonight. और वो कहता है कि आज रात को आप में से बहुत सारे लोगों को वो आजाद करेगा। Oh when you meet him. और जब आप उससे मिलेंगे आज की रात। He will wash away every old sin. और आपके सारे पुराने पापों को धो के साफ कर देगा। He will liberate you. और आपको आजाद करेगा। Permanently deliver you from all evil habits. और सारी बुराई से आपको हमेशा के लिए छुड़ा के आजाद करेगा। Our precious heavenly loving Father. हमारे अति प्रिय स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर पिता। You say that you are going to be with your children all the time. आपने कहा है कि आप अपने संतानों के साथ हमेशा बने रहेंगे। Many of them say they don't have sleep night during night time.
अनेक बच्चे कहते हैं कि रात को उन्हें नींद नहीं आती है। लॉर्ड यू से दैट यू आर गोइंग टू बी विद देम इवन ड्यूरिंग दैट नाइट। प्रभु आपने कहा है कि रात को भी आप अपने बच्चों के साथ होंगे। टेक अवे ऑल देयर वरीज फ्रॉम देयर हार्ट्स। उनके हृदयों से उनकी सारी चिंताओं को आप दूर करें। गिव देम ग्रेस टू जस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स। और उन्हें अनुग्रह दें कि अपने हृदय की गहराई से वे आपका धन्यवाद करें। गिव देम ग्रेस फादर राइट नाउ। इसी समय आप उन्हें अनुग्रह दें प्रभु जी। गिव देम अ ग्रेटफुल हार्ट। उन्हें एक धन्यवादी हृदय दें। यू एक्सपेक्ट ऑल ऑफ देम टू गिव यू थैंक्स। और आप चाहते हैं प्रभु जी कि वे हर एक आपका धन्यवाद करें। लेट देम प्रैक्टिस इट एंड बी ब्लेस्ड विद योर प्रेजेंस। उन्हें दें वे इसका अभ्यास करें और आपकी उपस्थिति के द्वारा से आशीषित हो। प्रेशियस हेवनली फादर टच योर चिल्ड्रन। प्रेमी स्वर्गीय पिता अपने संतानों को छू लें। दे मे बी गोइंग थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द डे टू डे लाइफ। उनके दैनंदिन जीवन में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों से हर एक गुजरते होंगे। टुडे वी ऑल टुगेदर लुक इनटू योर फेस मास्टर। आज हम में से हर एक आपके चेहरे को निहारते हैं स्वामी। यू आर द ओनली वन हु कैन सप्लाई ऑल द नीड्स। केवल आप ही हैं प्रभु जो उनकी हर एक घटियों को पूरा कर सकते हैं। इफ दे डोंट हैव पीस सप्लाई The divine peace in their lives. अगर उन्हें शांति नहीं प्रभु जी, आप अपने उस ईश्वरीय शांति को उनके जीवनों में ले आएं। If they are in lack of anything, supply that need also. अगर उनके जीवन में कोई सी वस्तु की घटी, आप उसे भी पूरा करें। Those who don't have children, touch the womb of a sister who is going through such problem. जिनके संतान नहीं है, ऐसे दुख से गुजरने वाली बहन को प्रभु जी आप छू लें। Touch the womb of our dear children who are going through without children. जो आपके बच्चे प्रभु जी बिना संतान होने के कारण से है, आप उनके गर्भ को छू लें। Put a stop to their sufferings. और उनके शोक को दुख का आप अंत करें। Put a full stop to their all their sufferings. उनके हर एक परेशानियों को प्रभु जी आप पूरी तरह Let them be blessed right now. इसी समय वे आशीषित हो। Lord, remember everyone of them. उनमें से हर एक को स्मरण करें प्रभु। Take away all their worries. उनकी चिंताओं को दूर करें। Let the power of God, the Holy Spirit, come upon each and every one of them. परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के ऊपर उतर आए। Let them receive whatever they want in their life. और उनके जीवन में जो कुछ वो चाहते हैं वो सब पाएं। Specially touch their Lord hearts and let them be filled with the presence of God. विशेष कर उनके हृदयों को छू लें, वे परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं। Give them grace to cling on to you all the time. और आपसे सदा लिपटे रहने का आप उन्हें अनुग्रह प्रदान करें। Bless all the young men like Joseph, Daniel and David. हर एक जवानों को प्रभु जी आप यूसुफ, दानियल और दाऊद की तरह आशीष दें। Touch all the people who are the families like Abraham. हर एक लोगों को प्रभु जी आप वैसे आशीष दे जैसे अब्राहम के परिवार को। Let them receive your blessings in a new way. इसी समय आप उन्हें छू लें और वे आपकी आशीषों को नए रूप में प्राप्त करें। Right now touch them and let them receive the blessing of God in a new way. इसी समय आप उन्हें छूए प्रभु जी, वो परमेश्वर की आशीष को नए सिरे से पाएं। Thank you Lord for touching and blessing your people. आपने लोगों को छू करके आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। You are a God of all comfort. आप सारी शांति के दाता परमेश्वर हैं। Comfort and console your children. अपने संतानों को आप ढांस और शांति दें। In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord, जय मसीह की। मेरा नाम अनीता लिली मिंज है और हम झारखंड आदर्श नगर कोकर में रहते हैं। जब से हम जीसस कॉल्स के विषय में जाने हैं, तब से प्रभु ने बहुत सारी आशीषों से मुझे भरा है। जो आशीषें मुझे प्रभु ने दी है बहुत सी है। भजन संहिता 126 का 3 में से लिखा है कि यहोवा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और मैं उससे आनंदित हूँ। यकीनन हम भी उसे आनंदित हैं। मेरी जो गवाही है शायद लोगों के नज़र में छोटी बात होगी, लेकिन मेरे नज़र में बहुत मायने रखती है। सबसे पहले जब हम पत्रिका मुझे मिला, जब हम हजारीबाग गए थे मेरी दीदी के यहाँ रहने के लिए, तो मुझे एक रूम दी थी रहने के लिए, तो उसमें एक ढेर सारा पत्रिका था और हम सोचे कि ये पत्रिका क्या है, इसलिए इसे निकाल कर हम पढ़ने लगे। और जब पढ़ने लगे तो मुझे चंगाई मिली पाइल्स की बीमारी से। पत्रिका पढ़ते पढ़ते मुझे पूरी अच्छी रीति से चंगाई मिल गई। मुझे पत्रिका बहुत पसंद है। जब से हम जीसस कॉल्स के विषय में जाने, तब से परमेश्वर मुझे आशीष देते गया। मेरे पति बहुत शराब पीते थे
और मैंने उनके लिए प्रार्थना करवाया जीसस कॉल्स में, और सचमुच परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जैसा भजन संहिता 46:1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे पति को शराब से छुटकारा दिलाया, और अभी 17 साल हो गए हैं, मेरे पति शराब नहीं पीते हैं और मेरा परिवार बहुत आशीष है। मुझे 2 बच्चों की ज़रूरत थी, लड़का और लड़की। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरा ट्विन्स बच्चे होंगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद था। और जब हम इसी विषय में परमेश्वर से प्रार्थना किए तो सचमुच परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए, और जब वे हुए तो जब वे पैदा लिए उसी समय वे बहुत बीमार हो गए, उन्हें जॉन्डिस पकड़ा। डॉक्टर ने कहा इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप जाकर प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाइए, और उसने करवाया प्रेयर टावर में प्रार्थना, और मेरे बच्चों का जीवन बच गया, और अभी वे 9 साल के हैं। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया है। मेरे पति आर्मी छोड़कर फिर दोबारा नौकरी ज्वाइन किए, दोबारा उनको फिर से सरकारी नौकरी मिली। ये जीसस कॉल्स के प्रार्थना जो करता है उनका ही ये योगदान रहा है कि हमारी जीवन इतनी आशीष मिली है। इन सारी आशीषों के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर सिर्फ उसे ही देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।